अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पाकरेडीजॉब्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंध की फॉरेस्ट जॉब्स के बारे में। तो यहां पर दोस्तों मेरे पास एक ऐड है जंग न्यूज़ का, जिसमें आप लोग पता करा सकते हैं सिंध की फॉरेस्ट जॉब का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाती हैं असामियाँ खाली हैं, और दोस्तों उसके पास भी असामी का नाम आ जाता है ट्रैक्टर ड्राइवर। तो ट्रैक्टर ड्राइवर में एक असामी खाली है और मिडिल पास होना चाहिए, तलीम और करामद LTV HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और मुतलका शोबा में दो बरस का तजुर्बा होना चाहिए, और ये जो है डोमिसाइल का ज़िला होना चाहिए सांखड़ का। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर जीप ड्राइवर। जीप ड्राइवर में दोस्तों एक असामी खाली है, और उसके बाद उसकी तलीम मिडिल पास होनी चाहिए और करामद LTV HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद मुतलका शोबा में दो बरस का तजुर्बा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर आता है नायब कासिद। तो दोस्तों नायब कासिद में मिडिल पास होना चाहिए और यहां पर डोमिसाइल का ज़िला होना चाहिए ठट्ठा में, और जीप ड्राइवर का जो है डोमिसाइल का ज़िला होना चाहिए शहीद बनी जीराबाद में। तो दोस्तों अब आगे आ जाती है चौकीदार की जॉब। चौकीदार में दोस्तों मिडिल पास हैं और दो असामियाँ खाली हैं, और यहाँ पर सांगड़ का डोमिसाइल ज़िला हो सकता है, शहीद बनजीर का भी ज़िला हो सकता है, डोमिसाइल ज़िला हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माली की जॉब है। माली की जॉब में दोस्तों यहाँ पर दो असामियाँ खाली हैं, और यहाँ पर ख्वांदा पराठी पास होना चाहिए, सॉरी ख्वांदा प्राइमरी पास होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर ठट्ठा और सिखर में सिखर का डोमिसाइल का ज़िला होना चाहिए। तो इस तरह से ये वाली जॉब थी दोस्तों। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को नेम ऑफ पोस्ट अपनी फिल करनी होगी, अगर आप माली में करना चाहते हैं तो माली का यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका नाम, उसके बाद वालिद साहब का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिडिल पास है, दसवीं पास है, जो भी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है वो भी बता देना है। एक्सपीरियंस दोस्तों आप लोगों ने बताना है यहाँ पर कितने साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखना है, KPK का या किसका है, सांगड़ का है या फिर शहीद बनजीराबाद का डोमिसाइल है। पोस्टल एड्रेस दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने लिखना है। तो पोस्टल एड्रेस दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से लिखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने गूगल में जाना है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर लिखना है अपने सांगड़ में लिख देता हूँ, जिस तरह से सांगड़, या फिर सिंध में आगे मैं लिखता हूँ पोस्टल एड्रेस। तो आगे आपका जो भी ज़िला है आप लोगों ने उसका लिख देना है पोस्टल एड्रेस। तो आपके पास यहाँ पर देखिए पोस्टल एड्रेस आ गया है। इस तरह से आप लोग पोस्टल एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सारे पोस्टल एड्रेस आ गए हैं, आपका जो भी ज़िला है आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने दस्तखत करने हैं और फ़ोन नंबर ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की तरफ से ये ऐड दिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट आप लोगों ने करवा लेना है। और दोस्तों इसकी जो आखिरी तारीख है दोस्तों 14 सितंबर तक होगी इसकी आखिरी तारीख दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा तारीखें बाकी हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 14 मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसकी आखिरी तारीख कहाँ पर है दोस्तों। तो इसकी आखिरी तारीख 5 अगस्त तक है दोस्तों, इतनी ज़्यादा तारीख नहीं है, 14 सितंबर नहीं है। इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करके अपनी इन्फॉर्मेशन करके, और यहाँ पर आप लोग अपने करीबी महकमे में फिलअप करा सकते हैं इसको। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।